यस स्टूडेंट्स वेलकम टू ए नॉलेज हाउस मैजिक स्टूडेंट्स आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी मार्केट प्राइमरी मार्केट में कैसे कंपनीज़ अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या करती है सेल करती है और मार्केट से पैसा रेज करती है किन किन मेथड्स का प्रयोग करके कोई भी कंपनी प्राइमरी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल आउट करती है और फंड रेज करती है पहला मेथड है पब्लिक इशू थ्रू प्रॉस्पेक्टस इस मेथड के थ्रू कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है उस प्रॉस्पेक्टस को इशू करने का उद्देश्य पब्लिक को इंफॉर्मेशन देना होता है कंपनी के बारे में इससे कंपनी इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी अपनी सारी डिटेल पब्लिक को बताती है इस प्रोस्पेक्टस के अंदर उस कंपनी की परफॉर्मेंस उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्टस उसके कितने इन्वेस्टर्स है कितनी उसकी कैपिटल है एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस कंपनी के की उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर होती है और उस प्रोस्पेक्टस को कंपनी इशू करती है जनरल पब्लिक को अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी एक समय में बहुत सारे बंदों को पब्लिक को अप्रोच कर सकती है अट्रैक्ट कर सकती है सो so दैट उसकी कंपनी में उस कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा अरेंज हो सके इस प्रॉस्पेक्टस के थ्रू कंपनी किससे बच जाती है ब्रोकर से बैंकर से इटर से ये लोग का जो झंझट है जो एक्सपेंस है बेवजह का इन लोगों को जो कमीशन दिया जाता है उनसे बचने के लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस का यूज करती है मार्केट से पैसा उठाने के लिए नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल ऑफर फॉर सेल के अंदर कंपनी नई सिक्योरिटीज़ को ऑफर करती है पब्लिक को जनरल पब्लिक को बट यहां पर कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज़ शेयर्स नहीं बेचती यहाँ पर कंपनी इंटरमीडिएट के थ्रू जो बिचोलो होता है उसके थ्रू पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज़ बेचती है यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी कंपनी है, वो अपने सिक्योरिटीज़ बोले तो शेयर और डिबेंचर सेल आउट करेगी इंटरमीडियरीज़ को जैसे ब्रोकर्स को एजेंट जो कमीशन एजेंट होते हैं उनको बेचेगी सबसे पहले फिर वे ब्रोकर फर्दर उन सिक्योरिटीज़ को सेल आउट करेंगे जर्नल पब्लिक को ध्यान देने वाली बात यह है कंपनी यहाँ पर अपनी सिक्योरिटीज़ को फेस वैल्यू पर बेचती है किसको इंटरमीडियरीज को फिर इंटरमीडियरीज उन सिक्योरिटीज़ को जनरल पब्लिक को बेचते हैं एट हायर प्राइस देन फेस वैल्यू टू अर्न द प्रॉफिट प्रॉफिट कमाने के लिए फेस वैल्यू से अधिक वैल्यू पर वो से बेचते हैं फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपना एक शेयर दस रुपये का बेचा किसी ब्रोकर को ब्रोकर फर्दर उसे बारह रुपये का बेचेगा किसको जनरल पब्लिक को दो रुपये का वो उस पर प्रॉफिट अर्न करेगा नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेस प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल आउट करती है किसको को एट फिक्स प्राइस एक फिक्स दाम पर यहाँ पर भी इंटरमीडियरीज को पहले बेचा जाता है बट ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं ये हमारे डायरेक्टली पब्लिक को नहीं बेचते ऑफ़र फॉर सेल में ये डायरेक्ट पब्लिक को बेचते थे ये जो इंटरमीडियरीज है जो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आते हैं सबसे पहले इसमें कंपनी इंटरमीडियरीज को बेचेगी फिर जो इंटरमीडियरीज़ है वो सेलेक्टेड रेप्यूटेड जिनकी अच्छी रेप्यूटेशन है उन क्लाइंट्स को फर्दर ये बेचते हैं अंडरस्टूड फिर भी एक क्लाइंट्स हमारे इन्हें जनरल पब्लिक को सेल आउट करते हैं अब जो हमारे रेप्यूटेड क्लाइंट्स है वो कौन कौन से है एल जनरल इंश्योरेंस एटसेट्रा इस तरह के जो हमारे क्लाइंट्स हैं वेल रेप्यूटेड उनको ये इंटरमीड बेचते हैं कंपनी की सिक्योरिटीज Understood? और इस मेथड के द्वारा कंपनी बहुत सारे खर्चों से बच जाती है जैसे अंडर फीस मैनेजर फीस एजेंट कमीशन एटसेट्रा इससे बचने के लिए कंपनी ये वाला मेथड यूज करती है जिसको हम क्या बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं अंडरस्टूड जो स्मॉल और न्यू कंपनीज है वो इसका ज्यादा प्रयोग करती है क्यों क्योंकि वो उनके पास में शुरुआत में इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता इसलिए वो लोग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करते हैं इस मेथड का यूज़ करते हैं नेक्स्ट है राइट इशू राइट इशू के अंदर क्या होता है बच्चों राइट इशू के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के उनके पास ये अधिकार होता है कि जब भी कंपनी नए शेयर बेचेगी मार्केट में तो सबसे पहले उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछा जाएगा जितना भी पैसा उन्होंने ऑलरेडी उस कंपनी में लगा रखा है जिस रेशो में जिस भी अमाउंट में वो पैसा लगा रखा है उसी रेशो में वो अप्रोच करेगी कंपनी सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उसके बाद बाहर की मार्केट में सेल आउट करेगी अपनी सिक्योरिटीज़ को सीधा सा मतलब ये है अगर कंपनी अपनी नई सिक्योरिटीज बेचना चाहती है इश्यू करना चाहती है तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछेगी उसके बाद जनरल पब्लिक को कंपनी के बाहर सेल आउट करेगी अंडरस्टूड नेक्स्ट है ई आई पी मतलब हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर है ये मेथड हमारा एडवांस मेथड है जिसके थ्रू कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को जनरल पब्लिक को इशू करती है ये जो हमारी सिक्योरिटीज़ है इस मेथड में खरीदी और बेची जाती है ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा थ्रू स्टॉक एक्सचेंज कंपनी अपॉइंट करती है एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को किस उद्देश्य से एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के उद्देश्य से और ऑर्डर देने के उद्देश्य से कंपनी इशू करती है सिक्योरिटीज़ को किस उद्देश्य से सो दैट कि कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेच सके किसके थ्रू उस रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू जो रजिस्टर्ड है कहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में अंडरस्टूड स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनी का ब्रोकर रजिस्टर्ड होता है उसके थ्रू ही कंपनी यहाँ पे ऑनलाइन अपने शेयर्स बेच सकती है मैनेजर यहाँ पे क्या करता है मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है सभी एक्टिविटीज़ को जो होती है किसके बीच में इशू करने से लेकर और हमारी सिक्योरिटीज़ को बेचने तक जितने भी एक्टिविटीज़ होती है उन्हें कोऑर्डिनेट कौन करता है मैनेजर अंडरस्टूड मीन्स ई के अंदर हमारा जो शेयर है सिक्योरिटीज़ है वो खरीदी बेची जाती है ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज यहां पर कंपनी को अपना बंदा अपॉइंट करना पड़ता है सो so, स्टूडेंट आज के लिए इतना ही आप मेरे सेशन को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए थैंक यू